ये 17 साल पुरानी कोचिंग करण कैरियर के नाम से उरई के अंदर प्रशासित है, जानकारी लेते हैं क्या क्या फैसिलिटी, क्या क्या सुविधाएं, कौन कौन से कोर्स अवेलेबल कराते हैं, डायरेक्टली रूबरू होते हैं मैम से। जी मैम, आपका नाम क्या है? प्रीति कुमारी। मैम, आपके कोचिंग के अंदर क्या क्या फैसिलिटी है? सर, हमारी कोचिंग में सारे स्टूडेंट्स के लिए, कुछ गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा भी है। यहाँ पे हम SSC, बैंक, रेलवे, टेट, IAS, PCS, TGT, PGT सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराते हैं कोर्सों की। और हमारे यहाँ का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहता है, रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी फैकल्टियाँ हैं सब अच्छे हैं। विशेषज्ञ हैं, PhD सब करे हुए हैं, और कंपटीशन लेवल पे जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो सब कंपटीशन तैयारी कर रहे हुए हैं। एक आध जो एग्जाम निकाले हुए हैं, मैनेजर सिलेक्टेड भी हैं। तो और जो भी बच्चे आते हैं गरीब, उनको हम लोग एक्स्ट्रा क्लास भी देते हैं, मतलब जो बेसिकली उनको कुछ आता नहीं है। अच्छा, अन्य कोचिंगों में देखा जाता है कि जीरो से स्टार्टिंग नहीं करते, सिर्फ अपना टॉपिक से स्टार्ट कर देते, पर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे वीक बच्चे होते हैं उनको हम लोग एक्स्ट्रा क्लास देते हैं। एक्स्ट्रा क्लास का मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं, जोड़ना घटाना नहीं आ रहा, हम लोग उनको भी सिखा देते हैं उनको, जिससे क्या होता है उनका जो लेवल होता है बराबर आ जाता है। बराबर आने के बाद फिर उनकी क्लास स्टार्ट कराते हैं। जब फिर क्लास स्टार्ट कराएंगे तो उनको हर चीज़ समझ में आती है अच्छे से। और स्टूडेंट्स को यहाँ पे बैग उपलब्ध कराते हैं, कुछ नोट्स उपलब्ध करा देते हैं, IC वगैरह, ये सारी चीज़ें रहती हैं। मैम, आपके कोचिंग से ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि निकले हुए हैं अच्छी अच्छी पोस्टों पर? हमारे यहाँ अभी लेटेस्ट में CPO SI क्वालिफाई हुआ है, लोकेंद्र नाम है, यहीं से हुआ है। अभी उसको ट्रेनिंग पे जाना है, उसके साथ उसका एक दोस्त भी हुआ है जिसका नाम नीरज है, और वो हमारे यहाँ आया था, मुंबई से आया था। उसको बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती थी, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट था। हमारे यहाँ के टीचरों ने उसको ऐसे पढ़ाया कि हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हिंदी को कवर करते हुए 6-7 महीने के अंदर सिलेक्शन ले गया और अच्छी पोस्ट पे आया। अभी लेखपाल में हमारे यहाँ 17-18 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। उससे पहले जो पुलिस की वैकेंसी निकली थी उसमें हमारे यहाँ कम से कम 16-17 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ। और एक अभी बैच लाया था हमने GD का, GD में हमारे यहाँ 34 बच्चे थे, उसमें 23 बच्चों का सिलेक्शन हुआ अच्छे नंबर। और कितने बच्चे मैम आपके यहाँ सेलेक्ट हुए? हमारे यहाँ टेट में अधिकतर 100% से रिजल्ट जाता है, कुछ बच्चे अधिकतर 100 से ऊपर नंबर लाते हैं, बाकी लगभग एवरेज में सभी पास हो जाते हैं। जो मैम आपके यहाँ टीचर है मैम, वो क्या गेउसन है क्या नहीं है? नहीं, सब हैं, अच्छे टीचर हैं, सारे विशेषज्ञ हैं। बताया हमने पहले ही कि जो भी टेट की फैकल्टी है सारी हमारी PhD है, प्रोफेसर है।